सोनी नांदे और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज। पिछले कुछ महीनों में हिट एंड रन के मामले बढ़ रहे हैं, फुटपाथ पर लोग अतिक्रमण कर रहे हैं और आए दिन फुटपाथ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। जिले में हो रही इन्हीं सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए केंद्रीय रास्ते व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में सड़क दुर्घटना निवारण समिति की बैठक ली गई। इस बैठक में नागपुर जिलों के आला अधिकारियों के साथ एनजीओ को भी बुलाया गया। नागपुर शहर में और नागपुर जिले में करीब हर साल एवरेज 800 से 1000 मौतें होती है। हमारे देश में 5 लाख मौतें होती है और 65% 18 से 34 एज ग्रुप में होती है। पिछले बार हमने तय किया था और काम में ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए थे। नागपुर पुलिस आयुक्त और एसपी नागपुर ग्रामीण इन्होंने भी अध्ययन करके ब्लैक स्पॉट निकाले थे और सेव लाइफ फाउंडेशन ने भी ब्लैक स्पॉट निकाले थे। काफ़ी आइडेंटिफाई हुए और आज मुझे समाधान है कि काफ़ी प्रमाण पर ये उसका काम शुरू हो गया और ये पूरे स्पॉट अगर ब्लैक स्पॉट इम्प्रूव होंगे तो शायद मरने वालों की संख्या कम से कम 500-600 से कम हो सकती है। वैसे और अच्छी बात है कि स्कूल के सामने जो डेंजरस जोन है जहाँ छोटे बच्चे क्रॉस करते हैं उसके लिए भी हर स्कूल के सामने एक डिज़ाइन करके वहाँ बच्चों के एक्सीडेंट कैसे न हो, स्पीड कैसे कम हो, इसकी भी चिंता कर रहे हैं। रोड के बीच में से जो क्रॉसिंग है उसमें फुट ओवर ब्रिजेस जहाँ जहाँ होके वहाँ डिज़ाइन करके NHAI स्टेट PWD हम लोग करेंगे ताकि लोगों की सुविधा भी हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो पेडिस्ट्रियन है जो फुटपाथ पर चलते हैं उनको सबसे ज़्यादा हिट एंड रन एक्सीडेंट्स हुए हैं और ये अनेक लोग इसमें मृत्यु हुए हैं, सेकंड नंबर पर ये रीज़न आता है। तो अब इसके बाद जो अतिक्रमण फुटपाथ पर हुआ है उसके कारण लोग फुटपाथ पर चल नहीं सकते तो उसके बारे में भी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। लोगों का अधिकार है कि फुटपाथ पर चलने का, उनके लिए वो बनी है, सीनियर सिटीजन है, दिव्यांग है और वो रोड पर चलने लगे तो उससे एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उसके बारे में भी सीरियसली सभी लोग तुरंत कार्रवाई करें, ये भी सूचना सबको दी है।